alaikum Class Five, this is our English class. Our topic is Unit Number Four: Collecting Things. One of the reason reasons why stamp collecting was so popular is because stamps were easily obtained. Most people had friends in distant places who wrote letters to them. Quite often, children became interested in writing to a pen friend, a person whom they had never met and who lived in a foreign country when an envelope with a colorful stamp arrives in the post you might say what a lovely stamp it's it's a pity to throw it away that stamp then becomes the first in your collection it is it is the start of a new and interesting hobby a class अब यहाँ पे क्या आ, कहते हैं कि जो टिकटें जमा करना है वो आ, जब उसके मशहूर होने की वजह क्या है मतलब वो क्यों मशहूर हुई थी ठीक है तो एक इसके रीज़न ये है कि वो चुट्ट टिकटें हैं वो आसानी से दस्याब थी ठीक है अब देखें क्लास पुराने ज़माने में अगर उसकी मिसाल ली जाए टेलीफोन नहीं थे मोबाइल नहीं थे ठीक है लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते थे वो खतों के जरिए करते थे लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को ठीक है और लेटर्स जब भेजा करते थे तो उसके ऊपर उस कंट्री की जो स्टैंप लगाई जाती थी ठीक है अगर वो किसी दूसरे मुल्क में रह रहा है तो उस मुल्क में जब लेटर जाता था तो और उसकी स्टैंप लगाई जाती थी ठीक है क्लास तो क्या होगा कि अगर वो दूर रह रहा है ठीक है अगर अपने पर्स कह लें कि अगर कोई इंग्लैंड रह रहा है यहाँ पाकिस्तान है अगर पाकिस्तान वाला इंग्लैंड में लेटर भेजेगा ठीक है तो वो पाकिस्तान की स्टैंप लगाएगा तो इस तरह से स्टैंप जो थी ये बहुत कलरफुल हुआ करती थी ठीक है और अगर जो है इसमें ये भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई बच्चा है ठीक है तो वो अपने पेन फ्रेंड पेन फ्रेंड कहते हैं कलमी दोस्त ठीक है मीन्स के मीन्स के जिसे आप मिले कभी नहीं मिले ठीक है और उसे आप जो है वो लेटर्स वग़ैरह लिखते हों पेन पेन फ्रेंड बोलेंगे कलमी दोस्त ठीक है तो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कलमी दोस्त को जो है वो हाथ लिखना पसंद करते हैं तो इस तरह से जब एक मुल्क से लेटर जाता था दूसरे मुल्क में तो वहाँ की स्टैम्प उसके ऊपर लगी होती थी तो ये स्टैंप जो है वो स्टैंप्स बहुत ज़्यादा कलरफुल हो करती थी ठीक है तो लोगों को ये पसंद आती थी इसलिए फिर लोग जो है वो क्या करते थे कि इनको आ, उतार के अपने पास रख ले, लेटर से उतार के ठीक है अपने पास रख लेते थे और इस तरह उनके पास जो है वो कलेक्शन टिकट्स की हो जाती थी और हो जाती थी ठीक थी? है इस वजह से कहते हैं कि टिकट्स जो थे ये पॉपुलर थे क्योंकि ये ईजीली दस्तियाब थे ठीक है क्योंकि मोबाइल वगैरह होते नहीं थे तो लोग जो है वो खतों के जरिए बातचीत करते थे ठीक है तो कहते हैं कि जब कोई एक इन्वेल्प या कोई लफाफा जो है वो आता है तो उसके ऊपर जो है वो स्टैम्प होती है तो जब आपको वो मिलता है तो आप क्या कहते हैं कि बट अ लवली स्टैम्प की कि कितनी प्यारी या कितनी खूबसूरत टिकट है और इसे फेंकना जो है वो अच्छी बात नहीं या अफसोस नाक बात है ठीक है मतलब इसे फेंकना जो है वो अफसोस अफसोसनाक बात है इस तरह जो है वो आपकी पहली कलेक्शन टिकट जमा करने की शुरू होती है और इस तरह जो है वो एक आपकी एक नई और दिलचस्प हॉबी बन जाती है ठीक है तो इस तरह से जो है वो क्या था कि टिकटें जमा करने का जो मशहूर थी टिकटें जमा करना वो पॉपुलर था मशहूर था कि ये आसानी से दस्याब थी देर आर मैनी वेज ऑफ कीपिंग अव कलेक्शन स्टैम्प में बी पुट इन टू एन एल्बम स्टोन और बॉटल्स विल हैव टू केप्टू बी कैप्टन कैबिनेट्स आर इन बॉक्सेज एंड फ्लॉर्ट कैन भी प्रेस्ड एंड पेस्टिड इन ट्रास्क्रैप बुक ठीक है अब क्या है कि बहुत से तरीके हैं चीज़ों को जमा करने के टिकटे जो है वो एल्बम्स में रखी जाती हैं ठीक है आप उन्हें एल्बम्स में जो है वो रख सकते हैं और अगर आपके पास स्टोन्स हैं ठीक है तो आप उन्हें बॉटल्स में रख सकते हैं या एक बॉक्स है उसके अंदर रख सकते हैं फ्लावर्स हैं इनको आप प्रेस कर सकते हैं इनको आप स्क्रैप बुक के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं ठीक है डिफरेंट जो आपके पास कलेक्शन है उसको आप डिफरेंट तरीके से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं उसको जो है वो इस क्लास आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो उनको कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बुक्स की कलेक्शन है तो आप इसके लिए एक अच्छी सी शेल्फ़ जो है वो उसके ऊपर बुक्स को रख सकते हैं ठीक है या आपके पास बैग वगैरह में भी एक बैग होता है जिसमें आप अपनी जो आपकी कलेक्शन होते है उसको जो है वो आप रख सकते हैं इस डिफ़रेंट चीज़ें जो है वो आप उनको डिफरेंट तरीके से स्टोर कर सकते हैं इस क्लास हमने यहाँ तक इसकी रीडिंग की अब आपने भी इसको रीड करना है उसको समझना है अल्लाह हाफिज़